केले पता है कैसे मिलते हैं यहाँ पे, किलो में। हाँ, 1 2 3 4, ये शहरी की हमारी 40 सीट भी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बींग चावला। और आज फिर हमारे मोस्टली काफी सारे वीडियोस की तरह सुबह के 5 बज रहे हैं और हम फिर से रेडी हो गए अपने एक नेक्स्ट ट्रिप पे जाने के लिए। और ये हमारा ट्रिप जो है काफी एक्साइटिंग ट्रिप है, क्योंकि इस ट्रिप में हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं शेरी? गोवा ट्रिप। इस ट्रिप में हम जा रहे हैं गोवा। और मोर ओवर ये ट्रिप हमारे सुपर एक्साइटेड इसलिए भी क्योंकि इस ट्रिप के लिए हम काफी सालों से प्लान कर रहे हैं। और ये जो ट्रिप है हम एक्साइटेड इसलिए क्योंकि ये है हमारा सबसे लंबा और फर्स्ट रोड ट्रिप। अच्छा चलो फिर शेरी का स्कूल बैग ले लेते हैं, शेरी को स्कूल ले जाते हैं। नहीं, स्कूल बैग नहीं लेना। स्कूल बैग नहीं लेना, अच्छा गोवा ट्रिप पे जा रहा है। तो चलो जी, अब हमारी पैकिंग हो गई है, अब साथ में चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये ट्रिप काफी डिटेल्ड होने वाला है, जिसके लिए मैंने स्पेशली ये डायरी निकाल ली है जिसमें हमारा दिल्ली से लेके कंप्लीट एक्सपेंसेस क्या पड़ेंगे, कितनी बार हमारा फ्यूल डलेगा, कहाँ कहाँ हमारा फूड का एक्सपेंसेस होगा, कहाँ कहाँ हमने होटल्स लिए हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस और डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट गोवा सीरीज में शेयर करूंगा। तो चलो चलते हैं, तैयारी करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो जुड़े रहो हमारे इस सीरीज के साथ, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड? यस। ये मैंने चिलर ले लिया है, इसमें आइस वगैरह डालनी है अभी। और ये म्यूजर ले लिया, और ये सारा हमारा खाने पीने का सामान है जो कि हमने वहाँ पर एक्चुअली गोवा में अपार्टमेंट बुक किया है। तो ये हमारा पोहा वगैरह चीज़ें, शहरी का सामान, जूसेस, ओट्स, सब कुछ हमने इसके अंदर डाल लिया है। ये कनिका ने अपनी ग्रीन टी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और बस अब इसके अंदर तैयारी करनी है, एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है, कैमरा एज यूजुअल है ही। तो और ये सारे हमारे बैग्स रेडी हुए हैं। हाँ, 1 2 3 4, ये शहरी की हमारी 40 सीट भी है। शू बैग हो गया, लैपटॉप बैग हो गया। सो इस पर काफी सारे बैग्स हैं, हमारे पास ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इतना वेट उठाना पड़ेगा, यहाँ ट्रैवल करना है, वहां ट्रैवल करना है। बस एक बार कार पे सामान डालना है एंड देन उसके बाद गुड टू गो। चलो तैयारी करें। शेरी शेरी कितनी सारी चॉकलेट्स। ओ बेटे, ये कर दिया मैंने जीरो। अब इस पे एग्जैक्टली पता चलता रहेगा कि हम कितने किलोमीटर चले हैं। पेट्रोल टैंक मेरा फुल हो गया है और यहाँ से ये सीएनजी पे है, वो बीच बीच में रिफिल जब जब होती रहेगी तब तब मैं शेयर करता रहूंगा। चलो जी चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टारगेट है, अभी यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ से हमारा टारगेट है उदयपुर जाने का, जो कि हमारे घर से 650-700 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं इस टाइम। तो चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और ये हमारी सवारी सारी रेडी है ऑलरेडी। ये रहा शेरी, ये रही कनिका, सामान सारा पीछे सेट ऑलरेडी कर दिया है। ये सारा सामान सारा सेट कर दिया है। और ये है, ये हमारी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बस चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। चले चलो। चले शेरी चलो। राधे राधे गोविंदा राधे। ये फर्स्ट सीएनजी स्टॉप आ गया। चलो यहाँ पे फ्यूल डलवा लिए। यहाँ पे जो फ्यूल है गुड़गांव में वो है 81 रुपीज पर केजी की गैस है, और दिल्ली में डलवाई है 71 की। तो ये वाले डिफरेंसेस आते रहेंगे, साथ साथ शेयर करता रहूंगा। तो अब वापस हाईवे पे चढ़ रहा हूँ और अभी घर से चला हूँ 45 किलोमीटर। सारा ये टोल प्लाजा है, देखो सारे ट्रक्स ही ट्रक्स खड़े हुए यहाँ पे, सारे ट्रक्स है। और ये ट्रक से बीच में फंस गए, और जब ये चलेंगे तो ही बढ़ेंगे आगे। अभी ये आगे ट्रक, शेरी आगे ट्रक, पीछे ट्रक, सारी जगह ट्रक ही ट्रक। हाँ। कितने सारे ट्रक है शेरी? हाँ पापा, हम गड्ढे में फंस गए। कहाँ फंस गए? हाँ यहाँ फंस गए। हाँ फंस गए। अभी ये फर्स्ट स्टॉप लिया है, कनिका और शेरी वॉशरूम गए हैं। ये है
बस 8 बजे, हाँ 8 बजे, और 125 किलोमीटर चल दिए हैं जयपुर, और थोड़ी देर में आ जाएगा 150 किलोमीटर कुछ बजा है जयपुर, और उसके बाद फिर हमने जाना है उदयपुर। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा, शहरी भी यहाँ पे खेल लेगा थोड़ी देर, क्योंकि कार में बैठा हुआ है ना, तो कार में बैठा हुआ अब ये शहरी के साथ इतना लंबा, खैर वो ऋषिकेश भी गया हुआ है, अमृतसर भी गया हुआ है, 8-9 घंटे 10 घंटे का ट्रिप उसने करा हुआ है, बट अब ये हमारा 3 दिन की ड्राइविंग का ट्रिप है। सो अब लेट्स सी कि कैसे शहरी रिएक्ट करता है, क्योंकि अपना तो प्लान यही है कि थोड़ी देर बीच बीच में रुक रुक के शहरी भी इंजॉय कर लेगा, खेल लेगा, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए पहुंच जाएंगे, तो उसको इतना पता नहीं चलेगा कि अच्छा मैं काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठा हूँ। अदरवाइज कार में उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह रखी हुई हैं। क्या मंगवाऊँ, पराठे मंगवा लूँ? 2 पराठे 2 चाय। सीट हॉट है उसकी, हॉट। ये देखो ये तो मम्मा झूल रही है, वाओ। क्या मैंने ओ इसलिए आपको हॉट लग रहा है, देख बातें बातें सुनो अब इसकी कैसी हो गई है अभी। अच्छा अभी कार में चलते हैं, कार में ओपन करके दूंगा ये लोग, तब तक आप पकड़ लो ठीक है। ये धूप लग रही थी तो लेफ्ट साइड पे ये शीट लगा दी है, अब आराम से कंफर्टेबली बैठा है। दिल्ली से 190 किलोमीटर चल गए हैं, और थोड़ा सा आगे जयपुर रह गया, और उसके बाद अच्छा जयपुर से क्या है, जयपुर के बाद हमें जयपुर सिटी के अंदर तो एंट्री करनी नहीं है, हमारा उसके बाहर से ही ना लेफ्ट साइड से रास्ता निकल जाता है, मेर बाईपास वाला रास्ता, तो वो हमारा वहीं से लेफ्ट निकल जाता है। मैं आगे चलते ही ना आपको दिखाता हूँ, धूप हो गई है बाहर, बहुत गर्मी है। ये रूट आ गया अब हमारा जयपुर बाईपास का, लेफ्ट साइड पे जयपुर बाईपास, और स्ट्रेट जा रहे हैं तो जयपुर। क्या कर, क्या पढ़ा रही है मम्मा? मम्मा अच्छा ABCD पढ़ा रही है, चलो वेरी गुड। मम्मा स्टडी चल रही है, चलो वेरी गुड, पढ़ाओ। शहरी एक बार वो बोल दो, राधे 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 गोविंदा राधे। ये ब्रेक लिया था, अभी गैस डलवाई है यहाँ पे उदयपुर, अभी हमारा लगभग 350 किलोमीटर रहता है, और ये कनिका, ये शहरी, शहरी क्या चाहिए? जूस। तो ये चिलर में सुबह डाला था, अभी ये सारे ठंडे हैं, आ रहा है बर्फ तो सुबह डाल दीजिए, सारा ठंडा है अभी। ये वापस रख दिया। गिरा दिया, रह गया। तो अभी शहरी के लिए कनिका गई है बनाना लेने, क्योंकि अब शहरी के मील का टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, तो कनिका यहाँ से लेने क्या कर रहा है शहरी? ले केले पता कैसे मिलते हैं अबे? किलो में। हाँ केले मिलते हैं। कितने? मैंने कहा केले कैसे दिए, कह रहा 30 रुपए किलो। हाँ। मैं कहा 30 किलो? तो एक किलो में कितने चढ़े? 4। नहीं, मैं वो लाई हूँ, मैंने कहा मेरे को 4 दे दो, तो आधा किलो है। अलग अलग हिसाब होता है ना यहाँ पे, केजी में है। अब इस टाइम धूप इतनी तेज हो गई है, 3:30 हो गए हैं, और धूप जो है ना मेरे इस तरफ आ गई है, तो मैंने ये अपने आम पे ना बिल्कुल ऐसे हो गया था, जलने लग गया था, इतनी तेज हीट हो गई थी, तो फिर मैंने ये टावल लगाया यहाँ पे, सो दैट थोड़ा सा रिलैक्स रहे यहाँ पे, वरना तो हाथ पूरे जलने लग गए थे। और ये शॉर्ट्स पहने रुक के, पहले मैंने लोअर पहना हुआ था, तो मैंने शॉर्ट्स और स्लीपर पहने नीचे, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैंने स्लीपर शूज उतार के स्लीपर पहन लिए और शॉर्ट्स पहन लिए, और पीछे कनिका बैठी हुई है और शहरी सो रहा है। गाय भैंसों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास गांव है ना, तो कभी भी आ जा रहे गांव वाले जो है ना, इनको कभी भी क्रॉस करवा देते हैं बीच में से, एक गाय को पहले बीच में छोड़ देंगे, वो जाएगी तो सारा ट्रैफिक स्लो होगा, चीजें होंगी, और फिर उसके बाद फिर बाकी का पूरा ग्रुप आ जाता है गाय का, चीजों का ना, तो ये बहुत रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई रेलिंग और वो सब तो है नहीं। कहाँ जा रहा है? आपका गामा कहाँ है? उतरा उतरा
बड़ा कंफर्टेबल होकर घूम रहा है लगे। हम कहाँ आए हैं? रोड ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं हम? गोवा। यस चलो बुझाओ। चलो 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 चलो। पापा पीछे बैठ जाए, पापा को लेके जाओगे अपने साथ? चल ठीक है। टिक्की बुक बैठ जाऊँ? अच्छा। सो फाइनली अब आ गया उदयपुर। उदयपुर में मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज चिराग। तो रात को हम इसके घर पे स्टे करना है। कनिका और शहरी जस्ट अभी अंदर गए हैं। सो अभी टाइम इज 6:30। तो मॉर्निंग में कब चला था? मॉर्निंग में 6 o'clock अराउंड चले थे, तो 6:30 आ गए। अप्रॉक्सीमेटली 12 hours लगे। सेफ है कि नहीं है, बस वो एक कंसर्न है। और जो ब्रेक्स है वो लग भी नहीं रही थी।